हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीषा और आप सभी का हमारे चैनल जो लर्न करते हैं में स्वागत है। तो आज हम लोग शिप की ड्राइंग बनाने वाले हैं। ये देखिए, इस तरह से लाइन खींचा और फिर इस तरह से करते हुए हमें इस तरह से ले जाना है ऊपर की ओर। हमने पहले ऊपर से नीचे लाया, अब ये देखिए, ये फिर मैं इस तरह से नीचे एक लाइन खींचूँगी और इसे तिरछे खींचते हुए ले जाना है हमें, ठीक है। और अब यहाँ से टॉप पर से एक और लाइन हमें खींचना है इस तरह, और फिर हम नीचे लाएंगे और जो हमारा लेफ्ट की तरफ जो लाइन है ये वाला, इसे हम मिला देंगे, ठीक है। ये हमारा धीरे धीरे शिप बनकर तैयार हो रहा है। अब इस तरह से करते हुए, ये हमारा शिप पानी में है इसलिए मैं इसे इस तरह से कर रही हूँ, ठीक है। मैंने सीधी लाइन ड्रा नहीं की है, इस तरह से मैंने जिगजैग टाइप का दे दिया है क्योंकि ये पानी में है। थोड़ा सा हम पानी बनाएंगे, कलर तो बाद में करेंगे, ठीक है। पानी में कहने का मतलब समंदर में है, ठीक है ना। और ये देखिए, हम ये जो शिप में कमरे बने होते हैं, रूम्स बहुत सारे होते हैं, एक बिल्डिंग टाइप का रहता है, बस वो हम बनाएंगे इस तरह से। और ये समंदर की जो लहरें हैं उसके कारण जो वो शिप हमारा तिरछा हो गया, बस वही इफ़ेक्ट मैं डालना चाह रही हूँ यहाँ पर। समंदर की जो लहरें हैं उसके कारण ये इसका जो है शेप है, जो क्या कहते हैं डायरेक्शन है, वो चेंज है, तिरछा है इस तरह से, इसलिए मैंने इस तरह से दे दिया है शिप का डायरेक्शन। और ये देखिए, छोटी छोटी खिड़कियाँ इस तरह से बना दूंगी मैं, इस तरह से हम बनाएंगे। और यहाँ पर मैं क्या करूँगी कि यहाँ पर सीधे एक बॉक्स टाइप का लंबी लाइन खींचते हुए मैं इसे ड्रा करूँगी। हमें इस तरह से बस शेप देना है, ये देखिए। अब हम इस तरह से डिज़ाइन डाल देंगे, यहाँ इस तरह से डिज़ाइन डालेंगे और यहाँ हम डालेंगे जिससे हमारा शिप चलता है, चिमनी, चिमनी टाइप का हम बनाएंगे जिससे धुआं निकलता है। और यहाँ पर मैं धुएं का फोटो बना रही हूँ, बस उसका लुक देना है हमें। और अब क्या करेंगे, ये मेरा थोड़ा सा मैं इसे ठीक कर दे रही हूँ। मिटा करके सुधारूंगी, ये देखिए हमें सीधा रखना है, ठीक है, इस तरह से। और हमें एक छोटी छोटी विंडो बनानी है और इस तरह से हम कर देंगे। अब मैं पूरे में ये आउटलाइन दे रही हूँ, सबसे पहले आउटलाइन में दे दूंगी पूरे में, इस तरह से पूरे में आउटलाइन हमें दे देना है। अब हमें यहाँ क्या करना है, पूरे में आउटलाइन नहीं चलाना है विंडो में। देखिए, मैं एक एक लाइन छोड़ छोड़ के बीच में विंडो बना रही हूँ, ठीक है। ये देखिए, इस तरह से मैंने सीधी लाइन दे दी ताकि हमारा कोई विंडो तिरछा ना हो जाए, इसलिए फिर बीच बीच में गैप दे करके हमें विंडो बना देना है। सेम प्रोसेस ऊपर यहाँ भी करना है। हो गया हमारा ये। अब ये मैं खंभा बना रही हूँ।
अब यहाँ पानी का इफेक्ट, समंदर के पानी का इफेक्ट, और अब हम इसे कलर करना शुरू करेंगे। ये मैंने क्रीम कलर लिया है, बस थोड़े से पार्ट में मैं क्रीम कलर लगा रही हूँ। आपको जो कलर मन हो आप उससे कलर करें, आपको वैक्स कलर मन है, स्केच पेन मन है, जो आपको कलर करना है, जिससे कलर करना आप करें। मैं वाटर कलर का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ देखिए मैं पीला जो है, पीला कलर जो है, येलो कलर, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। मैंने थोड़े से भाग में क्रीम कलर लगा दिया और फिर बाकी में पीला येलो कलर हमारा लग जाएगा, ठीक है। ये पूरे में इस तरह से हमें लगा देना है। अब यहाँ पर रेड कलर, हमारा जो लाल कलर यूज़ होता है रेड कलर, उसे लगाना है। आप चाहे तो ब्लू ले लें, डार्क ब्लू, चाहे तो ब्लैक ले लें, कुछ भी जो आपको मन हो, चाहे तो रेड, जो आपको मन करे वो आप लगा लें। बस हमारा सिर्फ सुंदर लगना चाहिए, देखने में बहुत अच्छा लगना चाहिए। और अब मैं विंडो बनाऊंगी, विंडो नहीं, अब यहाँ पर मैं येलो कलर से चिमनी और ये नीचे ग्रीन कलर, ठीक है। यहाँ भी ग्रीन कलर, अब मैं विंडो में येलो कलर लगा दे रही हूँ। और ये देखिए लाइट ब्लू का मैं यूज़ कर रही हूँ, डार्क में यहाँ नहीं ले रही। मैं लाइट ही रखना है यहाँ पर कलर को, कोई भी कलर ले। ये पूरे में लग गया हमारा लाइट ब्लू, और ये रहा धुआं जो ब्लैक होता है। ये मैंने ब्लैक में वाइट कलर मिक्स करके इसे ग्रे कलर कर दिया, ठीक है। लाइट हमें रखना है, फिर ऊपर से हम डार्क कलर का, डार्क ब्लैक का यूज़ करेंगे। ये हमने ग्रे कलर डाल दिया इसमें। अब ये देखिए मैं डार्क ब्लैक, जो ब्लैक आता है वो इस तरह से मैं हाफ सर्कल टाइप का बना रही हूँ, और इसे फिर हम सूखे ब्रश से मिक्स कर लेंगे। चाहे तो आप वाइट कलर लेकर के भी मिक्स कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा मिक्स करना है। अब हम समंदर बना रहे हैं तो लाइट ब्लू, ये पूरे में हम ब्लू लगाएंगे, ब्लू कलर। उसके बाद ये देखिए मैं वाइट कलर लेकर हाफ सर्कल बना रही हूँ, समंदर की जो लहरें होती हैं उसका इफ़ेक्ट डालने के लिए। ये देखिए समंदर की जो लहरें हुई, बस उससे होकर हमारा सिप गुज़र रहा है, ऊंचा नीचा ऊपर नीचे हो रहा है, तो बस वही हमें इफ़ेक्ट डालना है कि लहरें उठ रही हैं समंदर में। तो इस तरह से फिर मैं डार्क ब्लू का यूज़ कर रही हूँ। देखिए मैंने डार्क ब्लू लिया था, फिर उससे हाफ सर्कल बना रही हूँ। इस तरह से वाइट फिर ब्लू, डार्क मतलब वाइट फिर डार्क ब्लू, इस तरह से हमें हाफ सर्कल टाइप का बनाते जाना है, जैसे लहरें होती हैं हमारी। इस तरह से ये देखिए इस तरह से हमें पूरे में, अब थोड़ा सा ब्लू कलर इस तरह से मैं लगा दे रही हूँ। भाई समंदर है तो नीला होगा ही। अब या आउटलाइन में हल्का हल्का जहाँ मुझे लग रहा है कि करना चाहिए तो वहाँ मैं आउटलाइन कर दूँगी, ठीक है। अब देखिए अब ये हमारा सिप बन चुका है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा, अच्छे से सीखा होगा, बच्चे भी अच्छे से शायद बना पाएंगे सीख करके। ओके, तो फिर ठीक है, मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि रेड कलर में नीचे बटन दिया है उसे आपको प्रेस करना है। फिर बेल का पिक्चर आएगा उसे भी आपको प्रेस करना है, ताकि जो मैं जो भी वीडियो डालूँ वो सीधे आप तक पहुँचे। ओके ओके, फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग।